24 घंटे में जो है 8-8 घंटे की लड़कों की ड्यूटी लग जाएगी। अब क्या चेंज नहीं होने देने के, बस भर के जो ईवीएम चेंज होती थी, अब क्या चेंज नहीं होने की इंशाल्लाह। करंट तो इस उंगली में होगा, अच्छा कहीं ये ना सीधे सीधे हाथ की शहादत की उंगली में होगा। जब इससे बटन दबेगा ना तो इंशाल्लाह करंट वहां तक पहुंचेगा पार्लियामेंट का। किराए के बीच समाजवादी में आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज, मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। अभी अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, जिसमें से हर पार्टी 403 में लड़ रही है। अगर बात करें बड़ी पार्टियों की, समाजवादी पार्टी की बात करें, बीजेपी पार्टी की बात करें, लेकिन एमआईएम की सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और एमआईएम ने यह कह रखा है कि हम किंग मेकर का काम करेंगे। यानी कि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो एमआईएम के बिना कोई और पार्टी अपना सीएम नहीं उतार सकती, क्योंकि अगर 100 में से ये आसपास भी कोई 40-50 सीटें जीत जाते तो कहीं ना कहीं बहुत भारी इनका प्रभाव पड़ेगा 2022 चुनाव में। हमारे साथ यहाँ पे लगातार चाचा ये आते रहते हैं, हर चुनाव में दिखते हैं, बहुत बेबाकी से बोलते हैं, लोगों के सामने रखते हैं राय अपनी कि क्या सच में उत्तर प्रदेश में एमआईएम किंग मेकर बोल रही है वो बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे इनसे। अभी देखिए आज ठंडी बहुत है, ठंडी के बारे में पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, कैसे आज देखिए लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं इतनी ठंडी में। अरे ये तो पार्टी का ही, हमारे का ऐसा वैसी साहब का प्यार है जो हम ठंड भी नहीं लग पाती। नहीं, पैसे लेके बहुत सी मतलब अगर बात करें रैलियां होती जिसमें लोग पैसे दे के आते हैं, ठंडी में आने की वजह क्या? आप लोग सिर्फ मोहब्बत में आए? मोहब्बत में और प्यार से, और से भी, पैसे से भी, माल से भी, जान पैसा से भी लेके आए क्या? अपने सब का ये भरा, ये भरी हुई है हमारी। अच्छा, अपने अपने पैसे या फिर नहीं नहीं अपने पैसे से? अच्छा, अपने पैसे से आए, सिर्फ अपने, जितनी पब्लिक आएगी अपने पैसे से आएगी यहाँ पर जी। बात की जाए आज क्या लग रहा है वैसे साहब की स्पीच जो है वो प्रभावित करेगी लोगों को, क्योंकि हर बार बहुत भयंकर बोलते हैं। अगर बात की जाए लोग जो है हिल जाते, हजार लाख लोग हो वो सुनते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि यहाँ कोई और बोल नहीं सकता। इंशाल्लाह वो ऐसे बोलते हैं, सबको दिलों में उनकी बात समझ में आती जाती है, दिमागों में दिलों में बैठ जाती है, और उसी वजह से लोग सुनने को नहीं और से भी सुनने, और अभी सुनने की बात हो रही है मुझे नहीं अगर सुनने को भी आते हैं वे सुनने को भी आते हैं, और से भी, सपोर्ट से भी, जान से भी, माल से भी, सबसे तैयार होकर आते हैं। यहाँ किराए की भीड़ नहीं आने की है, यहाँ किराए की भीड़ नहीं आने की है। और जब किराए की भीड़, चलो हम पकड़ के दिखा रहे हैं उनको, किराए की भीड़ आते हैं हम पकड़ के दिखाते हैं उन्हें। किराए की भीड़ कहाँ इशारा कर रहे हैं आप, कहाँ आती किराए की भीड़? किराए की भीड़ समाजवादी में आती है, समाजवादी में नहीं आती। कौन कह रहा, हम कह रहे हैं हमारे पीछे तो इनकी बात सुनो ना, हमारी सुनो ना, जब हम कर रहे हैं हमारे सामने, हम पकड़वा के बतलाएंगे। और तुम्हारे बीजेपी में किराए का देखा ना पीछे वहाँ, ये भी तो कहा जाता है यहाँ पे बिरयानी के लिए लोग आते हैं। क्या कौन आता बिरयानी के लिए? कोई नहीं आता, हम तो खुलाने वालों में से बिरयानी। अरे हम तो खुलाने वालों में से, अल्लाह ताला ने हमारे गरीब से गरीब इंसान है, जो हमारा मजदूर पैसे का भी आदमी है, मुसलमान ईमान वाला, वो भी गरीब पैसे का, वो बिरयानी वो भी खुला देगा, एक से एक लाख आ जाओ। अच्छा अगर बात की लीजिए 100 सीटों पे आप लोग लड़ रहे हैं, अखिलेश आपसे बात नहीं कर रहे, क्या वजह हो सकती है? अखिलेश भाई बात नहीं कर रहे, सुनिए अखिलेश भैया बात क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, इसका मतलब बताए। उसे ये खतरा है कि ये बात हम कर ली तो ऐसा ना हो तारक साहब, कुछ जुम्मन मुसलमान 10-5 ऐसे हैं जो कि उसके उसमें है, उसमें नहीं जा रहे, जुम्मन है वो। अच्छा, जुम्मन तो, जुम्मन का मतलब क्या होता है ये बताइए? जुम्मन है खाने चाटने वाले। अच्छा, खाना चाटने वाले वो है उनके पास में, उन्हें 10 रुपए दिए, इधर को भाई, उन्हें 10 रुपए दिए, 10 रुपए दिए, वो उनके कहने लगे। अच्छा, हमारा कोई कहने वाला जितनी यहाँ पर जाएगी, ये जिला मेरिट की पर जाए, बाहर की नहीं आने की, हम यहाँ देख लिया जन सैलाब उभरेगा। आपको नहीं लग रहा कि देश इधर उधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? ब्राह्मण बीजेपी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यादव समाजवादी में, और मुस्लिम जो है एमआईएम में जाते हुए, तो क्या हर कोई ऐसे ही चलेगा? इसी बात को जो उनसे आप कह रहे हो, इसी बात का आप अपने आंखों से जायजा ले लेना, क्या कितने हिंदू भाई आते हैं, कितने ब्राह्मण आते हैं, कितने हरिजन भाई आते हैं, कितने कौन लोग आते हैं, अब तुम्हें यही दिख जाएगा कि हिंदू कितने आते हैं एमआईएम के साथ। युवा बहुत है यहाँ पे, युवाओं से बात करेंगे क्योंकि युवा बताया जाता है भविष्य है, और क्या कहना चाहेंगे युवा है आप? हाँ। मैं आता हूँ चाचा आपके पास, भविष्य जो है माइन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? भविष्य, अरे यहाँ सबसे पहले तो नतीजा ये रहा, आपके पास बुजुर्ग भी है, नौजवान भी है, और बच्चे आने वाले हैं अभी, समझ लो
बच्चे अभी आने वाले बुजुर्ग यार क्यों ये खड़े सारे कैमरा घुमा लो कैमरे में कहा इतने लोग हैं अभी इतने लोग अभी टाइमिंग क्या हुआ है 12 बजे की टाइमिंग है ऐसा ना हो ठंडी में सब गर्मी रह जाए ठंडी के क्यों हमारे बड़े बूढ़े जो है तो फ्रिज थोड़ी खोल के चले गए तो अल्लाह की रहमत है रहमत है ठंडी तो बढ़ती चली जा रही है ठंडी तो यहाँ गर्म माहौल होने वाला है ठंडी ठंडी जो बढ़ी जा रही है यो कोई हमारे बड़े बूढ़े या सपा बसपा वाले ने फ्रिज तो खोल नहीं रखा कि भाई आज एमआईएम की मेरे में पार्टी है सपा वालों पे इल्जाम लगा मैं बता रहा हूँ उन्होंने इसलिए फ्रिज तो खोले नहीं कि एमआईएम वालों की आज जो है सभा होने वाली फ्रिज खोल दो ठंड में जो लोग आवे ना ये तो अलग ही रहमत है इसे तो होने दो ठंड को देखो सूरज आ लिया ठीक है ना अब गर्मी भी हो जाएगी इंशाल्लाह और ये गर्मी असद साहब के आने पर और बढ़ेगी अच्छा हाँ ठंडे ना हो जाए आप लोग कौन और ठंडा ना हो अरे उस आदमी का चेहरा देखते ये फोन खोल जावे है इसका कहाँ असर दिखेगा कहाँ असर कहाँ दिखेगा असर दिखेगा बटन पे पतंग के बटन में करंट भी आता है बोलते हैं करंट तो इस उंगली में होगा अच्छा कहीं ये ना सीधे सीधे हाथ की शहादत की उंगली में होगा जब इससे बटन दबेगा ना तो इंशाल्लाह करंट वहां तक पहुंचेगा पार्लियामेंट का आप लोग सुनने आते हैं बहुत लोग आते हैं अच्छा ना हो आखिर में बीजेपी जीत जाए और आप लोग कहें कि हमने एमआईएम को वोट दिया था बीजेपी अपने आप जीत गई बीजेपी को हमने हराने का ठेका थोड़ी ले रखा नहीं ऐसा ना हो क्यों सपा बसपा वाले नहीं हरा रहे बीजेपी को फिर आप लोग ईवीएम पे सवाल उठाएंगे क्या ईवीएम खराब थी अब क्या तो हम वहाँ पे जो है अपनी तैनात मजबूत लोग लगा देंगे पहरेदारी पे अब क्या बसे भर के जो है ईवीएम चेंज नहीं होने देने के अब क्या अपने जो लोग होंगे ना वर्कर्स होंगे 24 घंटे में जो है 8-8 घंटे की लड़कों की ड्यूटी लग जाएगी अब क्या चेंज नहीं होने देने के बस भर के जो ईवीएम चेंज होती थी अब क्या चेंज नहीं होने की इंशाल्लाह वो तो कहते हैं ना कि ईवीएम सही है कौन कहते हैं बीजेपी कहती है जो सही वाली ईवीएम होंगी वो लोग के अंदर होंगी अब क्या ईवीएम चोरी नहीं होने देने अब क्या ईवीएम को बदलने ही नहीं देना अब क्या सरकार बदलेगी ईवीएम पे कोई दिक्कत नहीं आने देगी अब क्या सरकार बदलेगी बदलेगी हाँ इंशाल्लाह और उसके दायरे से कुछ नहीं होने लगा जब तक अल्लाह का हुक्म होगा तो हर चीज होगी उसी बिना को तरी इज्जत उसका कोई भी मसला हो हमारे लिए तो ये इंशाल्लाह हम अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे अब कह लेना चाहिए और समाजवादी बीएसपी कुछ भी हो पहले हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कल तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था आज हमारे पास ऑप्शन है तो हमने समाजवादी को राजनीति में बीएसपी को मिटा कांग्रेस को मिटा पर अब हमारी समझ में आ गया है इंशाल्लाह हम अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे देखिए निकालना हमारा काम नहीं है इसके अल्लाह का काम है ये अल्लाह का काम है अरे बहुत बड़ी ऐसी की तैसी बहुत बड़ी हो जाएगी भाजपा को तुम निकलवा रहे हो भाजपा को तुम निकलवा रहे हो ये होगा कहेंगे कि हमने वोट है मैंने लिया था लेकिन जीत भाजपा हाँ ये एवं को एक भी वोट जाएगा इंशाल्लाह भरो हो जाएगा सबका हो जाएगा मुस्लिम का है समाजवादी में बीजेपी में बीजेपी में कौन है बहुत से मुस्लिम मोहब्बत उनको उधर भी तो है समाजवादी से भी तो है वो तो कचौड़ी खाने वाले हैं लोग भी लेकिन अंदर तो है ना एमआईएम को ही वोट देंगे 2022 के अंदर बात की जाए समाजवादी पार्टी में कहती है हमने मुसलमानों के लिए काम किया मुसलमानों के लिए क्या काम करा इन्होंने अब भी कहा कि हम 18% रिजर्वेशन की बात कही थी पिछले इलेक्शन में क्या दिया उन्होंने हमें नहीं दिया ना और अब दोबारा इन्होंने दोबारा ये बात रखी है मिनी मेट्रो देंगे शिक्षा नहीं रिक्शा देंगे रिक्शा देंगे शिक्षा नहीं देंगे अब रिक्शा नहीं चलेगा सलमान रिक्शा चलाएंगे अब रिक्शा नहीं चलेगा 70 साल हो गए हमें गुलामी करते करते अब हम हिस्सेदारी हम अपनी हिस्सेदारी लेंगे अब तो हमारे रिक्शा चलाएंगे अब तो हमारे कायद ने हमारे लीडर ने जो हमारा लीडर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेरा गुरूर है अब उन्होंने बात रखी हमारे सामने कि हम रिक्शा नहीं देंगे शिक्षा देंगे अब कलम उठाने की बात है अब कलम उठाएंगे इंशाल्लाह अपने अधिकार को मांगेंगे कलम कहाँ लिख देंगे कलम से लिखेंगे कहाँ लिख देंगे कहाँ लिखेंगे जिस चीज की जरूरत होगी उस चीज को लिखेंगे मिलेगी तो जब तो बैठेंगे हम दफ्तरों में आपने एक बात कही अभी कि आपको रिक्शा मिल रहा है क्यों रिक्शा चलाने वाले ही रहेंगे हम क्या दिक्कत है पकौड़ी चाय बेच के अगर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप लोग रिक्शा तो हम आपकी तरह नहीं बन सकते अगर हमने एजुकेशन हासिल कर ली तो हम भी तो माइक पकड़ सकते हैं ना अभी क्या रिक्शा चला के माइक पकड़ेंगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें